नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ कल्पना। शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं महानगर की खबरों की ओर। पूजा के रंग में रंगा कोलकाता, मेगा रैली में देखी बंगाल की धरोहर की अलग अलग झलकियां। थीम में शामिल किया गया ऐतिहासिक हाथ रिक्शा, दिखी महिषासुर मर्दिनी की छटा। यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत में शामिल है बंगाल की दुर्गा पूजा। बहुत बहुत खुश है हम लोग, जो धन्यवाद देने के लिए जो मिशन तैयार हुआ है, ये बहुत बड़ा मिशन और इसके शामिल होने का बहुत अच्छा लगा। ऐतिहासिक रही दुर्गा उत्सव की शोभा यात्रा। कार्यक्रम में पहुंचे सौरभ, दीदी ने कहा छोटा भाई। इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, यू नो आई हैव ट्रैवल्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आई हैव बीन टू various countries who have their own festivals, whether it's the Christmas in the European part of the world, and I say that to Eric and Dr. Timothy, who've grown up watching Christmas and New Year's in your part of the world, or whether it's the Brazilian festival or the Ganpati which has just happened yesterday in Bombay. You actually need to see Durga Puja to actually believe how big is it. I don't know whether you have spent those 5 days or rather those 7 days of the festival, you'll see a different city and I've all of us here have grown up during the festive times, and for all of us, you know, whether you're rich, whether you're poor, whether you're powerful, whether you're not powerful, this festival brings happiness to everybody. 2011 से हुई नियुक्तियों का विवरण देना काफी कठिन, ईडी के निर्देश पर शिक्षक संगठनों ने कहा। जामताड़ा गैंग से जुड़े बैंक धोखेबाज को विधाननगर कोर्ट के जज ने पुलिस हिरासत में भेज दिया। आरोप है कि विधाननगर इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति को बैंक में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंट को अपडेट करने के लिए कहा गया, एवं आरोपी ने मोबाइल पर एक लिंक भेज दिया। उस पर क्लिक करने पर शिकायतकर्ता के अकाउंट से 2 लाख से अधिक रुपए निकाल लिए गए। तारा हेदिया इलाके में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में चांदी के आभूषण सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान अंचारुद्दीन मौला के रूप में की गई है। भाटपाड़ा नगर पालिका के 16 नंबर वार्ड के जंगल थाना अंतर्गत 4 नंबर बिचाली घाट पर मंगलवार की दोपहर गंगा में नहाने उतरे 4 किशोर शंभूराम, जीतू चौधरी, सौरभ प्रसाद व गौतम प्रसाद डूब गए थे। बुधवार को आपदा प्रबंधन की टीम ने 3 के शव को बरामद कर लिए थे, जबकि गौतम की तलाशी जारी थी। बुधवार की देर रात गौतम का शव भी बिचाली घाट के निकट गंगा से बरामद किया गया। वहीं इसी दिन मृतकों के परिजनों को बैरकपुर महकमा कार्यालय में बुलाया गया। सीएम की ओर से प्रत्येक परिवार को आर्थिक मदद स्वरूप 2-2 लाख रुपयों की चेक प्रदान की गयी। मुख्यमंत्री एक शोक संतप्त परिवार पाशे मानविक भावे दाड़िये তিনি 2 লক্ষ টাকার চেক পরিবারগুলোর হাতে তুলে দিল। আমি সেই চেকগুলোই বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি হিসেবে পরিবারের হাতে চেকগুলো তুলে দিল। দেখুন, এইগুলো তো দুর্ঘটনা, আমরা তো বারংবার সতর্ক করি। দেখুন, উৎসবের মরশুমে এসব হয়, পাহারা থাকে, ওই সময় দেখবেন উৎসবের মরশুমে খুব একটা দুর্ঘটনা হয় না, কিন্তু যখন নর্মাল প্রসেসে চলে তখন তো এই ঘাটগুলো এমন শূন্য থাকে যে তখন এই দুর্ঘটনাগুলো ঘটে। अब रुक करते हैं देश और विदेश की खबरों की ओर। नए फाइटर जेट को मिली सरकार की हरी झंडी, 13 तरह के हथियार और ऐसी गति कि थर्राएंगे दुश्मन। अब रुक करते हैं मनोरंजन की खबरों की ओर। बेटे के जन्म के बाद सोनम ने पहली बार शेयर की अपनी तस्वीर, डिलीवरी के बाद दिखाया बेली फैट। कल का मौसम। महानगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। गरज के साथ तूफान की बहुत कम संभावना है। सभी खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।